हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आप लोग के लिए अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर में आया हूँ। ये है असलफा स्टेशन मेट्रो साकीनागा के पास। मेट्रो स्टेशन जो है साकीनागा के बाद असलफा मेट्रो स्टेशन आता है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं आज विजिट किया हूँ गाइज। आप लोगों को मैं हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखाता हूँ, हमेशा कपड़ों की चीज़ें मार्केट की। इस बार आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ के लिए मैं कुछ लाया हूँ। ये यूनानी मेडिसिन यहाँ पे आपको मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पे कंप्लीट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे और उनकी जो स्पेशलाइज है किस चीज़ में स्पेशलाइज है, जैसा भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपको थेरेपी, लीच थेरेपी है और हिजामा है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सर से मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। सर पहले तो ये बताइए कि आपने जो स्टडी किया है किस चीज़ में स्टडी किया आपने, क्योंकि आपने अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और पेशेंट जो अपने पास आते हैं किस चीज़ के ज़्यादा पेशेंट अभी आप लोग फेस कर रहे हैं सर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, यानी बीओएमएस किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बंगलौर से किया है। अच्छा, और उसके बाद फिर ये अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मुंबई में जी, असलफा मेट्रो स्टेशन मुंबई में स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऐसा सेंटर है कि यहाँ पे यूनानी कंसल्टिंग के साथ में रेजिमिनल थेरेपीज जी, यानी हिजामा थेरेपी जो कपिंग थेरेपी भी कहलाता है, और लीच थेरेपी, नतूल जो शिरोधारा कहलाता है, फसद जो वेनी सेक्शन कहलाता है, ये सारी थेरेपी यहाँ पे की जाती हैं। मसाज थेरेपी, स्टीम बाथ, जो रीजनल थेरेपीज़ में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो सारी थेरेपी यहाँ पे की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो यूनानी तरीक़े इलाज है कि इलाज बिल गज़ा, इलाज बिल दवा और इलाज बिल यद, यानी दवाओं से भी इलाज करना है, गज़ाओं से भी इलाज करना है, और इलाज बिल यद मतलब रीजनल थेरेपीज से भी इलाज करना है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। और एक सवाल आपका ये था कि किस टाइप के पेशेंट हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा आ रहे हैं अभी पेशेंट आते हैं, किस साइड ज़्यादा रहे हैं? यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से जो क्रोनिक डिसीज़ होती हैं उसके लिए यूनानी बहुत ही बेस्ट थेरेपी है, बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन हमारे यहाँ जो आते हैं ज़्यादातर वो जॉइंट्स पेन के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, जो आमतौर से लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, जो पुराना दर्द होता है। हाँ, जो पुराना दर्द होता है उसके मरीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है जो पेट से रिलेटेड कि बदहजमी है, गैस बनता है, पेट साफ नहीं होता है और डकार ज़्यादा आती है, इस टाइप के मरीज़ भी हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं। लीवर से रिलेटेड जो तकलीफ़ होती है जैसे पीलिया वगैरह है, तो लीवर के पेशेंट रहते हैं। किडनी से रिलेटेड जो है रीनल स्टोन वगैरह, इसके भी पेशेंट हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, और दिमागी बीमारियाँ जैसे नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, इस टाइप के मरीज़ भी हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्री मैच्योर एजाकुलेशन है, नाइटफॉल है, इस लोग आमतौर से बोलते हैं कि जिरियान, उधाद, इस टाइप के लोग, इस टाइप से, इस नाम से लोग जानते हैं जी, तो इसके भी पेशेंट हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि जो क्रोनिक डिसीज़ है सबका इलाज बेहतर होता ही आपके यहाँ पे हमारे यहाँ। अच्छा, जो मेडिसिन वगैरह होती है वो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, बना के देते हैं या बाहर का भी लिख के देते हैं? जो रनिंग मेडिसिन होती है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है, तो बहुत सारी मेडिसिन हम लोग बनाते भी हैं और कुछ सैंपल यहाँ पे रखा है, ये देख सकते हैं। खुद आप बनाते हैं? हाँ, मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो जैसे ये है आपके ब्रांड का ना ये? हाँ, जो अल हकीम के लेबल के साथ है वो हमारी बनी हुई दवा है हमारे हाथ से। अच्छा, ये काफ़ी अलग अलग यहाँ पे है। हाँ, जैसा माजून है, फलसफा, माजून फलासफा, जवारी। अच्छा, जालिनोस, माजून। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में ज़्यादा भी यूज़ हो रही है? आपने जो ये मेडिसिन आपने ये रखा हुआ, जैसे माजून की अगर बात करें तो? माजून की बात करें तो माजून फलासफा जैसे जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो नसों की ताकत के लिए बहुत बेहतर दवा है। अच्छा, जवारी जालिनोस जैसे मैंने बताया कि वो पेट की तकलीफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दवा है। लेकिन कौन सी दवा किस तकलीफ में देना है वो मरीज़ को देख के डिसाइड होता है। अच्छा, इन जनरल नहीं कि कोई भी दवा पब्लिक लेकर के कहीं से भी लेके कर, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपसे जैसा भी फॉर एग्जांपल कोई पहुंच नहीं पा रहा आपके पास मुंबई में, अगर कोई कंसल्ट करना चाहे वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो आप वो भी एक्सेप्ट करते हैं सर? हाँ, एक्सेप्ट करते हैं, वो सर्विस हम देते हैं ऑनलाइन कंसल्टिंग करके। उसके लिए चूंकि जो फ़ोन नंबर रहेगा उस पर वो बात करके अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद बात करके फिर दवा हम लोग यहाँ से कोरियर से उसको भेज देते हैं। कोरियर से दवा चली जाती है? कोरियर से दवा जाती है। बाकी फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो ऑनलाइन ही कंसल्ट करते रहेंगे? ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दूर के हैं, दिल्ली के, लखनऊ के, बंगलौर के, कर्नाटक के, बहुत सारे लोग पेशेंट
ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो सर अपने पास यूनानी कंसल्ट के अलावा और भी कुछ होता है सर यहाँ पे? मैंने शुरू में बताया कि यूनानी कंसल्टिंग के अलावा थेरेपी यानी हिजामा और लीच थेरेपी ये ज़्यादा हमारे यहाँ चलता है, उसके लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और हिजामा तो आमतौर से स्किन डिसीज़ के लिए और हेयर फॉल के लिए बहुत सारे लोग कराने आते हैं, और जॉइंट्स पेन में तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है हिजामा का। तो उसके लिए तो हम खुद डिसाइड करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत लगती है, लेकिन पब्लिक खुद से भी डिसाइड करके जो तकलीफ उनको रहती है वो हिजामा कराने के लिए आते हैं। तो हिजामा कुछ आपने कोई ऐसा प्राइस वगैरह मेंशन किया कि कुछ ऐसा? बहुत लोग ऐसा है 200 रुपया कप एक कप का लेते हैं, कोई 250, कोई 150, तो आपका ऐसा कुछ है प्राइस के हिसाब से? हमारे यहाँ का चार्ज जो है वो 200 रुपये एक कप का चार्ज है, 200 रुपीज़ एक कप का चार्ज है। एक कप का चार्ज है, अगर हम एवरेज देखें तो 5 कप एक एवरेज कप लगता है, मतलब 800-1000 रुपये 1200 एक टाइम हिजामा। हाँ, फिर भी हिजामा कितने टाइम तक करना चाहिए सर? बहुत लोग ऐसा होता है कि एक बार कराते हैं तो बोलते हैं यार उसका फायदा नहीं दिख रहा, तो मिनिमम कितने बार? 7 बार 9 बार 11 बार ऐसा कितने बार करवाना चाहिए? नहीं, हिजामा तो दो मकसद के लिए किया जाता है, एक प्रिवेंटिव मकसद के लिए, मतलब हमें तकलीफ कुछ नहीं है लेकिन हम प्रिवेंशन चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, टॉक्सिक ब्लड वगैरह। हाँ, तो इसके लिए तो 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार करा लें वो काफी होता है, फिर इसी हिसाब से वो कराते रहें। अच्छा, बाकी जो ट्रीटमेंट के हिसाब से होता है तो वहाँ तो डॉक्टर खुद यानी मैं डिसाइड करूंगा तकलीफ देख करके कि आपको कितनी बार की जरूरत है। अच्छा, तो एक एवरेज देखें तो किसी को 2 बार 3 बार 4 बार ये जरूरत लगती है, किसी को 1 बार ही काफी हो जाता है। अच्छा, और ये जैसा फैट लॉस के लिए कुछ आप लोग रखते हैं? क्योंकि अभी कैसा है कि मार्केट में बहुत सारी दवा जिसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं वेट लॉस के लिए, जी तो वो उसकी भी कुछ चीज़ें अपने पास? हाँ, वेट लॉस के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन खाली मेडिसिन नहीं बल्कि मेडिसिन के साथ साथ में उनको डाइट क्या फॉलो करना है, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, वो सब बताया जाता है, तो फिर उसके हिसाब से बेहतर रिजल्ट आता है, वो पूरा कंसल्ट आप कर देंगे। हाँ, अच्छा, ये किस चीज़ का इस तरीके का रखा हुआ है सर, ये क्या कहते हैं? यूनानी की एक मशहूर थेरेपी मुंजिज और सिहिल कह के नाम से जानी जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये उसी की दवा है जो क्रोनिक डिसीज होती है उसमें हमें कहीं कहीं मुंजिजे बलगम और मुंजिजे सौदा की जरूरत पड़ती है देने के लिए। तो ये दोनों तो दवा भी कंपनियों की ये बनी दवा नहीं होती है मुंजिज और मुसहिल के नाम से, तो हम लोगों ने खुद से डिसाइड किया है कि उसको बना के रखें और पेशेंट को हम दे दें ताकि उनको इधर उधर से लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सर ये लीच थेरेपी क्या होती है सर अपना? लीच थेरेपी, लीच एक कीड़ा होता है जिसको उर्दू में हिंदी में जोंक कहते हैं। अच्छा, और मराठी में शायद जलोका के नाम से जाना जाता है जी। तो ये बहुत पुरानी थेरेपी है, इंडिया में ये मेरे ख्याल से 1000 साल BC पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और स्किन डिसीज़ में जैसे एक्जिमा है, सोरियसिस है, गैंग्रीन है, नॉन हीलिंग अल्सर है, और हेयर फॉल में आजकल बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, हेयर फॉल के अंदर भी इसका? जी, हेयर फॉल तो, लेकिन ये हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती ना सर इसकी? बहुत कम? हाँ, बहुत कम लोग, क्योंकि इसके इफेक्ट के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यूनानी सिस्टम पूरा फॉलो किया जाता है तो हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन और थेरेपी सब कुछ अवेलेबल होती है, तो थेरेपी को हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्टली विजिट करके भी ना? हाँ, विजिट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आजकल लोग अवेयरनेस नहीं होते, बहुत छुपे छुपे रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके पास सेक्सुअलिटी में कैसे पेशेंट्स आप देख रहे हैं सर? इस सेक्सुअल प्रॉब्लम में तो ज़्यादातर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर एजाकुलेशन, इस तरह की दिक्कत लोगों को आती है और उसका इलाज बेहतर हमारे यहाँ होता है। Okay. और एक तो नाइटफॉल भी बहुत सारे जो यंग जनरेशन है उनको नाइटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है जी। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि धात की शिकायत है जो पेशाब के पहले या पेशाब के बाद या पेशाब के साथ आता है जी। तो इस तकलीफ में भी लोग रहते हैं तो उसका भी बेहतर इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो फीमेल पेशेंट होती हैं जिनको आमतौर से PCOD की शिकायत बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आ रही है, इसके अलावा जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तो इसका भी इलाज हमारे यहाँ होता है। बहुत सारी पेशेंट है कि उनका पीरियड डिस्टर्ब होता है, वो काफ़ी लेट आता है, उनका वज़न भी बढ़ने लगता है, और इनफर्टिलिटी यानी अगर शादीशुदा है वो बच्चे भी नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांस है कि अगर वो टेस्ट कराएं तो PCOD निकलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो सर ये PCOD एक्चुअली है क्या, अगर आसान भाषा में बात करें तो क्या होगा सर? PCOD एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ इसका फुल फॉर्म है। ओवरी जहाँ से ओवम बनता है, आमतौर से लोग जो बोलते हैं ना कि जहाँ से अंडा बन के आता है उसमें कुछ सिस्ट बनती है, कुछ गांठ टाइप की दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ, जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है और जो ओवम बन के आता है उसका आने जाने का भी टाइम, वेट गेन वगैरह भी इसमें ज्यादा हो जाता है। हाँ, उसमें वेट गेन भी बढ़ने लगता है, हेयर फॉल, वेट गेन, ये सब भी होता है।
और ये जो स्टेमिना बूस्टर वगैरह भी मार्केट में बहुत कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कुछ होता है अपने पास? हाँ अपने पास है स्टेमिना बूस्टर, अपने पास है, बहुत अच्छी दवाएं हैं जी। इसके। और ये सब चीज़ों की कोई साइड इफेक्ट यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं है ना सर अपने यूनानी पास? में साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी होती है, उसको जी ख़त्म करने वाली मेडिसिन भी साथ में होती है, अच्छा उसी के इसलिए अंदर ही हाँ होती उसी है, के अंदर होती है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं होता है। बढ़िया। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को जो दवा होती है उसका डोज क्या है पूरा एक तरीका समझाया अच्छे से जाता है। समझाया जाता है, तो साइड इफेक्ट आमतौर से नहीं आता है। अच्छा सर, ये पाइल्स वगैरह का भी आजकल बहुत है कि ऑपरेशन कंपलसरी, कि कहीं कहीं ऑपरेशन करवाना ही पड़ जाता है, तो उसका कुछ है अपने पास नहीं, इलाज सर? पाइल्स के लिए हमारे यहाँ बेहतर इलाज है, यूनानी में बहुत बेहतर इलाज होता है। जी एक पाइल्स में एक कंडीशन आती है, बहुत लास्ट कंडीशन, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर से जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें यूनानी दवा से वो कंट्रोल हो जाता है, सर्जरी तक की नौबत नहीं आती है। अच्छा, तो सर्जरी तक की जाने की जरूरत नहीं हाँ पड़ती? सर्जरी तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये अपना पथरी वगैरह का भी होता है सर, पथरी क्योंकि कहाँ, आजकल तो नई जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको पथरी का ज़्यादा हाँ हो रहा है पथरी तो सर, पहले जो है ओल्ड एज में ज़्यादा होती थी, अभी लेकिन यंग एज में हाँ बहुत हो यंग रहा है सर, जनरेशन में पथरी ज़्यादा होने लगी है, उसका बेहतर इलाज है यूनानी में। यूनानी में बेहतर हाँ इलाज बेहतर रहेगा। इलाज है। सो गाइज, अभी आपको कुछ भी कंसल्ट करना है तो सर का नंबर, मतलब सर का नंबर पर्सनल नंबर नहीं होगा, ऑफिस का नंबर दे दूंगा। सर एक और क्वेश्चन है जो आज बहुत मार्केट में चल रहा है, बच्चे, मतलब एक शादी होने के बाद काफ़ी लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका क्या इलाज होता है सर अपने उसका पास? इलाज हमारे पास होता है, और जी आमतौर से इलाज करने के लिए हम फीमेल पेशेंट, फीमेल जो है और जी मेल दोनों का हम टेस्ट कराते हैं, ताकि ओके हमें जी सही से कंफर्म पता चल जाए कि किसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। अच्छा तो जो मेल पेशेंट होते हैं आमतौर से उसमें ओलिगो स्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट कम होता है, उसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं, तो उसका बेहतर इलाज होता है, स्पर्म बराबर काउंट बढ़ जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। और फीमेल का भी टेस्ट कराया जाता है, तो आमतौर से पीसीओडी भी एक काज है इनफर्टिलिटी का, यानी बच्चा ना होने का, तो पीसीओडी का जब इलाज हो जाता है तो बच्चा होने का भी इलाज हो जाता है। उसमें अच्छा पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका इलाज करते हैं, पीरियड पहले नॉर्मल होता है, उसके बाद जी, बच्चा होने का चांस बढ़ मतलब ये जाता पूरा है। चेन होती पीसीओडी की, जैसे ये सारा प्रॉब्लम आ जा रहा है हाँ मेनली, मतलब एक रीज़न एक इनफर्टिलिटी रीज़न का ये भी दे सकते पीसीओडी भी हैं है। हम। सर टाइमिंग वगैरह कैसा रहता है सर यहाँ का? टाइमिंग सुबह 10 से 2 बजे तक मैं यहाँ पे रहता हूँ, और शाम को 7 से 10 तक रहता हूँ, जी बाकी शाम को 4 से 7 बजे तक एक डॉक्टर कमालुद्दीन है वो रहते हैं, अच्छा और 2 से 4 तक ये लंच का टाइम में रहता है, और डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं दो अच्छा से चार मतलब मेरे हिसाब से कि पूरा टाइम ओपन ही रहता है हाँ ऑलमोस्ट, पूरा टाइम ओपन सिर्फ है 2 घंटा जो लंच का टाइम बंद हुआ, बाकी तो कोई ना कोई हाँ डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी जी रहती, जी बट आपका टाइमिंग सुबह 10 से 2 और शाम को 7 से 10 7 से 10 का टाइमिंग है। जी सो गाइस, ये टाइमिंग पे आप विजिट कर ले लीजिएगा, और बीच में भी अगर आप कभी लेट होते हैं, जल्दी होते हैं, तो भी एक बार अपॉइंटमेंट ले लेना गाइस, पहले अपॉइंटमेंट लेके कॉल करके कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, उस हिसाब से आप आइएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर से भी आने वाले हैं, बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह हैं, और वीडियो कॉल की सुविधा है, ऑनलाइन कंसल्टिंग भी, जो फीस रहेगा सर आपको बता देंगे, तो वहाँ पहले पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बाकी कुछ मेडिसिंस वगैरह अगर आपको चाहिए रहेगी तो मेडिसिंस वगैरह सर के पास इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग वाला भी अवेलेबिलिटी है, बाकी जो तो दूसरे ब्रांड्स के होते हैं वो भी गाइज आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको सर बता देंगे। तो वीडियो को एंड करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि आज के टाइम पर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।